समाचार ने शुरुआत करिए तो पूर्व सरपंच ने चेक रिटर्न केस में धरपकड़ करवामां आवी छे। पाटण में चेक रिटर्न केस में पूर्व सरपंच की धरपकड़ करवामां आवी। सिद्धपुर तालुकाना बिलिया गामना पूर्व सरपंच ने दिलीप पटेल ने जेल ना हवाले करवामां आव्या। तो दिलीप पटेल नाणाकीय व्यवहार कर्या बाद लोकने चेक आप्या हता। चेक रिटर्न थता लेणदारोए कोर्ट में फरियाद दाखल करी हती तो पूर्व सरपंच दिलीप पटेल जेल ना हवाले करवामां आव्या। नाणाकीय व्यवहार कर्या बाद लोकोने चेक आप्या हता तो कोर्टे दिलीप पटेल ने मुद्दत में हाजर करवा माटे तेनी धरपकड़ करीने वॉरंट इश्यू कर्यु हतु। चेक रिटर्न थता कोर्टनी मुद्दतों में सतत गैरहाजर रह्यो हतो। संवाददाता प्रवीण दर्जी अपनी साथे फोनलाइन में जोड़ाई चुक्या छे। तो जी प्रवीण, चेक रिटर्न केस में पूर्व सरपंच ने धरपकड़ करवामां आवी छे, शुं छे समग्र विगत? समग्र मामलो पाटण जिल्लाना सिद्धपुर नो छे। ने सिद्धपुर नी वात करू तो सिद्धपुर तालुकाना जे बिलिया गाम नी अंदर पूर्व सरपंच छे दिलीप पटेल, जेओने जेल नी अंदर धकेली देवामां आव्या छे। तेओ दिलीप पटेले नाणाकीय व्यवहार कर्या बाद लोकोने चेक आपी अने तेना रिटर्न थया हता अने लेणदारोए कोर्टमां फरियादो दाखल करी हती, जेनी कोर्टमां केसनी मुद्दत हती अने दिलीप पटेल हाजर न रहेता होवाथी वारंवार तेओए हाईकोर्टनी अनादर कर्यो हतो। तेने लईने कोर्टे तात्कालिक तेनो धरपकड़ो वॉरंट इश्यू कर्यो हतो अने जेने लईने सिद्धपुर पोलीस द्वारा चोक्कस बातमीना आधारे दिलीप पटेल ने पाटण खातेथी धरपकड़ करी लीधी हती अने कोर्टमां रजू कर्यो हतो। त्यारे कोर्टने તેઓને રજૂ કર્યા બાદ તેઓની કોર્ટે તેઓને સાંભળ્યા હતા, તેઓ જામીન અરજી મૂકી હતી, પરંતુ તેમ છતાં કોર્ટે તેઓના હુકમનો કહી અને સુજનીપુર જેલની અંદર એટલે કે પાટણ સુજનીપુર સબ જેલની અંદર ધકેલી દીધો છે, જેલના હવાલે કર્યો છે। જોકે ચેકના કેટલાક જે કેસો હતા એના ઉપર 2-3 જેટલા કેસો છે અને તે કેસોની અંદર તેઓ મુદ્દતમાં હાજર ન રહે હોવાથી પૂર્વ સરપંચ દિલીપ પટેલને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા અને તેમને હાલમાં સુજનીપુર સબ જેલમાં મોકલી આપવામાં આવ્યા છે। જી પ્રવીણ, સમગ્ર વિગત બદલ આપનો આભાર। ચેક રિટર્ન કેસમાં પૂર્વ સરપંચની ધરપકડ કરી તેમને જેલના હવાલે કરવામાં આવ્યા છે। તો પોલીસે ધરપકડ કરી સરપંચને જેલને હવાલે કર્યા।